हेलो एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9। और आज हम लोग देखेंगे ऑडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है, टाइम स्ट्रेच कैसे किया जाता है और ऑडियो का क्वांटाइजेशन, ये सारा कुछ जो कुछ ऑडियो एडिटिंग इवेंट है वो सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। तो आफ्टर यू रिकॉर्ड द ऑडियो यू एक्चुअली हैव टू प्रोसेस द ऑडियो, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपका जो ऑडियो फाइल है वहाँ पे कहीं पे क्लिचेस है, ग्लिक्स है, तो दैट यू नीड टू करेक्ट बिफोर यू गो टू द एक्चुअल मिक्सिंग फेज। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो लास्ट एपिसोड जो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे ऑडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, तो मैंने कुछ गिटार रिकॉर्ड कर लिया था। ये जो है यहाँ पे जो क्लिप्स आप देख रहे हैं जो मैंने रिकॉर्ड किया था फिर कॉम्प किया था इसको, ये हम लोग का ऑडियो इवेंट है। ये जो था ना ये था मेडी इवेंट। अगर आपका ऑडियो का लेवल जो है वो ठीक ठाक नहीं है, यू कैन एक्चुअली नॉर्मलाइज द ऑडियो टू इंक्रीज द लेवल लाइक दिस वन, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। देखा आपने कैसा इसका नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो एक्चुअली ये रिकमेंडेड है कि जो आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे आपका जो लेवल्स हैं वो प्रॉपरली होना चाहिए, तो यू डोंट हैव अ नीड फॉर दिस नॉर्मलाइजेशन। द नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज द टाइम स्ट्रेच। सपोज इस गाने का जो टेम्पो है 105, इसको मैंने चेंज करके 95 कर दिया मैंने। तो अभी देखिए यहां पे मेरा जो है ना ये सॉन्ग सेटअप में यहां पे स्ट्रेच ऑडियो फाइल्स टू सॉन्ग टेम्पो ये मेरा मार्क किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई व्हेन आई एम चेंजिंग द टेम्पो ऑफ द सॉन्ग वो टेम्पो के साथ चेंज हो जाएगा। मीडी इन्फॉर्मेशन में ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो इट कैन बी स्ट्रेच। अभी देखते हैं इसको मैनुअली कैसे करते हैं। लाइक अभी जो है ना सॉन्ग का टेम्पो काफ़ी कम हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये सारा कुछ ताल में बज रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो था ना यहाँ पे टाइम स्ट्रेच एक्चुअली दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको डोंट फॉलो कर दूँ अभी आप देखिए क्या होता है। तो आई विल चेंज इट टू 95 वंस अगेन। अभी देखिए ये सारा जो है ना यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन ये वाला चेंज नहीं हुआ है। या फिर सपोज आपने एक लूप इंपोर्ट किया कहीं और से, तो लेट्स से वो चेंज नहीं हुआ, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं। ये जो हम लोगों के पास है ना ये एक्चुअल में आपका यहाँ तक होना चाहिए था, दो बार तक होना चाहिए था। तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग को जो ऑल्ट की है ना वी हैव टू प्रेस इट एंड यहाँ पे आप थोड़ा नज़र लगाना कि यहाँ पे क्लॉक का साइन आएगा। ओके, सो यू हैव टू प्रेस ऑल्ट देन ड्रैग। तो ये अभी मेरा टाइम अलाइंड हो गया। अगर मैं उसको अंडू करके आपको सुनाऊं एक बार, लेट्स सी। आप देख सकते हैं ये नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा है अभी टाइम में। तो लेट्स रीडू एंड अभी देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो टाइम में हो गया है। तो ये था टाइम स्ट्रेचिंग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे टाइम स्ट्रेच का जो मोड है वो सेट रहना ज़रूरी है। अगर आपका ड्रम्स है तो यहाँ पे ड्रम्स रहना चाहिए, अगर वोकल है ऐसा कुछ है तो फिर यहाँ पे इलास्ट्रिक प्रो का जो ऑप्शन है ये बेटर है। तो दीज आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स ऑफ टाइम स्ट्रेच। यू हैव टू डबल क्लिक ऑन एनी ऑडियो इवेंट तो इट विल ओपन लाइक दिस। दिस इज द जूम ऑप्शन। ओके, दिस आर द जूम ऑप्शंस। द वे वी हैव क्वांटाइज्ड द मीडी इवेंट्स इफ यू कैन रिमेंबर, वैसे ही हम लोग ना ऑडियो इवेंट्स भी एडिट कर सकते हैं, क्वांटाइज कर सकते हैं। देर आर हिप हॉप, हाउस, दिस काइंड ऑफ जॉन्स एक्चुअली दे रिक्वायर वेरी टाइट अलाइनमेंट टू द ग्रिड। दीज आर एक्चुअली द बेंड कंट्रोल, यू नो बेंड मार्कर्स। तो ये बेंड से क्या होता है ना कि हम लोग जो क्वांटाइजेशन है इसका वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्वांटाइज करने का एक ऑप्शन है, यू जस्ट प्रेस द क्यू और हिट दिस वन, तो ये क्वांटाइज हो जाता है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए क्वांटाइजेशन में तो यू कैन एक्चुअली कम हियर। ये जो क्वांटाइज का ऑप्शन है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा आपको कहाँ से क्वांटाइज करना है, तो उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई क्लिक करिएगा तो ये हो जाएगा। और बेंड टूल जो है उससे ना आप थोड़ा और ज़्यादा कंट्रोल ला सकते हैं। सपोज ये मेरा बेंड है
अभी मैं इसको एनालाइज कर लेता हूँ. ये स्टैंडर्ड मोड या सेंसिटिव मोड पे हो सकता है. यहाँ पे थ्रेशोल्ड जितना ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे 80% थ्रेशोल्ड है, मैंने एनालाइज किया है. तो इसका इसको मैं अगर मैं कम करता हूँ तो उतना कम होता है, अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ज़्यादा मार्कर ऐड होता जाएगा. लेट्स से दिस वन इज ऑफ, दिस वन अ लिटिल बिट ऑफ. तो अभी यहाँ पे जो बेंड टूल है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ, फिर ड्रैग करता हूँ मैं, यू कैन एक्चुअली बेंड इट, यू नो. इसका जो टाइमिंग है आप ऐसे ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम में ला सकते हैं. यहाँ पे भी एक टाइम स्ट्रेच का मोड है, तो दिस इज नॉट अ डम ड्रम्स. ये मोड सिलेक्ट करना होगा, एक्शन क्वांटाइज स्लाइस, एक्चुअल में स्लाइस क्रिएट करना है या सिर्फ क्वांटाइज करना. स्पेशली आपका जो ड्रम्स ड्रम लूप्स हैं या फिर आपका रिदमिक एलिमेंट है वो अगर टाइम में आया नहीं है तो यू कैन एक्चुअली यूज दिस. मतलब टाइमिंग का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, तो हो जाएगा ये. फिलहाल इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही. अगर आपको कोई क्वेश्चन है ऑडियो एडिटिंग को लेके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको पोस्ट करिए. और इफ़ यू लाइक दिस चैनल द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज एवरी वीक वी अपलोड ट्यूटोरियल्स रिलेटेड टू Cubase, FL Studio, Prisma Studio One. अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं फॉर मच एडवांस स्टफ, और सपोज आपको अरेंजमेंट अच्छी तरीके से जानना है या फिर आपको मिक्सिंग जो है थोड़ा और तरीके से जानना है, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी थ्रू फेसबुक. सो फॉर नाउ दिस इज इट. लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट.